नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आइएगा, आज हम फिर से बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी। जैसे कि हमारे घर में अक्सर चावल बच जाते हैं, या तो हम उनके येलो राइस बना लेते हैं या फ्राइड राइस, लेकिन आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। बचे हुए चावलों का चटपटा मज़ेदार स्नैक जो झटपट से बन करके तैयार हो जाएगा, और बस कुछ ही चीज़ों से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं एक बोल ले लेती हूँ, उस बोल के अंदर अब हम डालेंगे चावल। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी चावल डाल रही हूँ। तो ये लीजिए, मैंने एक कटोरी चावल यहाँ पे डाल दिए हैं। आपके पास जितने चावल हो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब और कुछ चीज़ें भी डाल देते हैं। इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं डालूंगी इसमें आलू। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे करके आलू काट करके और इन्हें उबाल लिया है। आलू मैंने डाल लिए हैं। अब कुछ जाएंगे इसमें सूखे मसाले, जिसमें जाएगी एक प्याज जो मैंने काट के रखी हुई है, तो मैं वो डाल देती हूँ। आप इसमें और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून काली मिर्च, और यहाँ पे हाफ टी स्पून है चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया। तो चलिए मैं इन्हें भी डाल देती हूँ। इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे स्नैक्स के अंदर। और बेसिक मसाले डाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मार्केट से कुछ लाना हो। और आधा है मेरे पास ये नींबू का मैं रस डाल देती हूँ इसमें, चटपटा मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हम इनमें डालेंगे नमक। तो नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। मैंने इनमें चावलों में नमक नहीं डाला हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से एक चम्मच नमक डाल देती हूँ। चलिए, नमक मैंने डाल दी। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इन्हें मैश कर लेंगे। ये लीजिए, बस इन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, आलू को, चावल को। ये देखिए, अच्छी तरीके से इन्हें मैश कर लेना है सभी चीज़ों को। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही हूँ, सिंपल मसालों से बना करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास और मसाले भी नहीं है तो आप इसमें मैगी का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे ये अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। बस इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम एक बाउल बनाएं, इस तरीके से बॉल बनाएं, नींबू के तरीके से, जैसे नींबू होता है, छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, और बस इस तरीके से बन जाने चाहिए। तब हमारा ये बैटर रेडी है। चलिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम तेल रख देते हैं इन्हें बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए। चलिए, अब इसमें छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं इस तरीके से, राउंड करके, और इन्हें एक साइड रख लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये बना करके तैयार कर लेने हैं। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है और झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। ये लीजिए, इतने साइज हमें बना करके ये तैयार कर लेने हैं। चलिए, मैं इन्हें सभी को बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉल बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने से पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये कढ़ाई में ना खुले, उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है मैदा। मैंने मैदा ली है। अगर आपके पास चावल का आटा है आप चावल का आटा ले सकते हैं, या आपके पास सूजी है आप सूजी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, एक बारीक सी पतली सी लेयर आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी, जिससे कि हमारे ये बॉल खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम एक बॉल लेंगे और इसे इस तरीके से मैदा इसके ऊपर लगा देंगे, और इस तरीके से करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगी वो मैदा हट जाएगी। तो इसी तरीके से मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए, इसी तरीके से तैयार कर लेना है, और हमारे बॉल हो जाएंगे रेडी। तो है ना एक सिंपल सा आसान सा तरीका, और झटपट से बन करके तैयार हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तब तक मैं इसे तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ये लीजिए, हमने सभी को रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब आप इसे चाहे फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, जिससे जो है हमने ये मैदा ऊपर से लगाई हुई है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब जो हमने बॉल बना करके रखे हुए हैं उन्हें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को कम कर दें, क्योंकि गैस की फ्लेम कम करने पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में डालेंगे, जिससे कि एक दूसरे से चिपके ना। और इसी तरीके से हम ये डाल देंगे जितने एक बार में आ जाए। एकदम करारे बन करके तैयार होंगे हमारे ये। तो झटपट से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है ये। आप कभी भी चाय के साथ बना करके खाइएगा। ये लीजिए, मेहमानों के सामने भी रखेंगे, मेहमान भी पूछेंगे आपने किस तरीके से ये बना करके तैयार किया है। तो ये हमारा हो गया है रेडी। चलिए, मैंने सभी बॉल को डाल दिया है। अब इन्हें अलटते पलटते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। तो हम इन्हें फ्राई होने देते हैं। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। इससे पहले हम इसमें कोई चम्मच वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से हो गए हैं। अब हम इन्हें चम्मच से पलट करके देख लेते हैं। इन्हें चारों तरफ से पलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला स्नैक्स है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी पसंद आने वाला है। और देखिए कलर कितना प्यारा है। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रंची रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गए हैं। इन गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और ये कितने करारे बन करके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम इन्हें सभी को निकाल लेते हैं। ये देखिए, है ना एकदम मज़ेदार। ये देखिए, चलिए मैं इन्हें सभी को निकाल लेती हूँ। और गर्मा गर्म चाय के साथ में इसे एंजॉय कीजिएगा। बच्चे हों या बड़े, सभी को इतना पसंद आने वाला है कि कोई छोड़ेगा नहीं, सभी खा जाएंगे। तो ये लीजिए, मैंने फ्राई कर लिया है। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक प्लेट ले रखी है जिसमें मैंने रोज़ के पैटर्न डाल दिए हैं, रोज़ के पत्तियाँ। बहुत ही यम्मी दिखने वाला है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा। तो इसी तरीके से बस कुरकुरे चटपटे मज़ेदार बना करके खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा और तारीफ़ ही तारीफ़ पाइएगा। तो ये लीजिए, हमारे तो गर्मा गर्म हो गए हैं तैयार ये बचे हुए चावल के। आप इसे जब बना करके खाएंगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये बचे हुए चावल से हैं। चलिए मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ कि ये कितने करारे बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये, और देखिए, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। ये देखिए, मैं चारों तरफ से घुमा करके दिखा रही हूँ और तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको कि अंदर से कितने सॉफ्ट है। वाह, लवली। ये देखिएगा, तो है ना मज़ेदार रेसिपी। इसी तरीके से अक्सर बच्चे चावल नहीं खाते हैं तो वो भी इस तरीके से खाना शुरू कर देंगे। ये लीजिए, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऊपर से मैं थोड़ा और गार्निश कर देती हूँ। वाह, लवली। देखिएगा।